ऑल राइट दोस्तों एंड सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के दिवाली स्क्वाड कप के बारे में। आप सभी को पता है कि दिवाली स्क्वाड कप अभी बस स्टार्ट होने वाला है, मतलब 25 तारीख हो चुकी है। आप लोग 25 तारीख को वीडियो देख रहे हो एंड अभी आप लोग अगर इस इवेंट को ओपन करने जाते हो एंड यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हो तो आप स्टार्ट गेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, आप लोग का मैच स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मैच स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा एंड कितने बजे स्टार्ट होगा, आप लोग को क्या क्या गलती नहीं करनी है खेलते टाइम, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखना, कहीं भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो काफी सारी चीजें मिस कर दोगे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों जो दिवाली स्क्वाड कप है ये इवेंट चलने वाला है 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक, आपको पूरे 6 दिन मिलेंगे यहाँ पे खेलने के लिए और आप लोग को अच्छे से खेलना है। आप लोग टोटल 40 मैच खेल सकते हो यहाँ पे, जिनमें से 20 मैच क्वालिफाई के लिए काउंट होंगे, जिनमें आपने अच्छा खेला होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा, अच्छे किल किए होंगे और आप लोग ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा किल करके नंबर 1 पे आओ, नंबर 2 पे आओ, उससे आपको ज्यादा पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्वाड्स को यहाँ पे डायमंड्स एंड इमोट और यहाँ पे जो ग्लोबल की स्किन है वो मिलेगा। जो 3 टीम रहेगी टॉप वाली, जो सबसे 3 टीम रहेगी उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई सबको ही मिलेगा। अब जो टीम में 3, मतलब मान लो अगर आपकी टीम जीत गई तो आपको जो रिवॉर्ड है वो सबको एक एक को 50,000 डायमंड मिलेगा, मतलब हर एक बंदे को मिलेगा, ठीक है। रिवॉर्ड्स आर पर पर्सन लिखा हुआ था बैनर पे, तो यहाँ पे हर एक बंदे को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो अगर आपने टीम बना लिया है, अब वैसे मैं तो ऐसे रैंडमली किसी भी टीम में हूँ क्योंकि मैं खेलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई और काम में भेजी हूँ, तो मैं किसी के स्क्वाड में जाके भाई उसकी स्क्वाड खराब नहीं करना चाहता। मेरे को काफ़ी ऑफर आए थे कि भाई मेरी टीम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, लेकिन भाई मैं खुद खेलूंगा ही नहीं तो क्या मतलब है किसी की टीम को खराब करना, इसलिए मैंने टीम ज्वाइन ही नहीं की। ये पता नहीं किसी की टीम में ले लिया भाई मुझको फिर भी, एंड मैं इससे बैक कर देता हूँ एक बार। चलो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करके बैक कर देता हूँ। एंड ना काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि भाई यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हमें डायमंड्स लगाने पड़ेंगे कोई इवेंट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी बंदा खेल सकता है, जो टॉपअप भी नहीं करता हो, कभी किसी ने टॉपअप भी नहीं किया वो भी यहाँ पे खेल सकता है, ये सबके लिए इवेंट है। एंड ये भी डाउट है काफी लोग का कि यार ये जो इवेंट है इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स है हमें कब मिलेंगे, तो ये आपको 1 नवंबर के दिन रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 25 से लेके 30 तारीख तक मैच चलेंगे, 31 तारीख के दिन गरीना चेक करेगी कि किस बंदे ने, मतलब रिजल्ट वगैरह चेक करेगी किस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड अगर कोई बंदा चीटिंग करके यहाँ पे जीत जाता है, मान लो कोई बंदा समझ रहे हो ना गेम के अंदर कुछ इधर उधर कर देता है, कोई स्पाइडरमैन बन के भाई किल कर रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा मतलब कि किस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। जो बंदे भाई चीटिंग करके जीत जाते हैं उनको चेक करेगी कि भाई हाँ इस बंदे ने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ करके वो टॉप 1 पे आ जाता तो उसको गरीना रिवॉर्ड्स नहीं देगी, उसके बदले दूसरे बंदे को देगी जिसने फेयर गेम प्ले किया, जिसने कुछ चीटिंग नहीं की हो। तो आप लोग इस चीज की फिक्र मत करो कि भाई जो बंदे स्पाइडरमैन शक्तिमान बन के गेम के अंदर आ जाते हैं और किल कर देते हैं, मतलब 25 25 30 30 किल कर देते हैं, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ना जो ये स्क्वाड कप है ये कब कितने बजे स्टार्ट होगा चलो बात करते हैं। तो देखो दिवाली स्क्वाड कप अगर रात को आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सुबह के 4 बजे स्टार्ट नहीं होने वाला, सुबह के 6 बजे भी स्टार्ट नहीं होगा। ये 25 तारीख के दिन सुबह से 10 बजे, मतलब सुबह के 10 बजे से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आप लोग अपनी स्क्वाड के साथ गेम खेल सकते हो। एंड गेम खेलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्क्वाड मतलब आपने बनाई ली होगी एंड सबको इनवाइट कर लेना एक साथ, यहाँ पे आना है, स्टार्ट गेम का ऑप्शन आएगा, आपको स्टार्ट गेम पे क्लिक करना है और कोई दूसरे मैच में यहाँ पे देखो एक BR FFC मोड आएगा, उसमें आपको स्टार्ट करना है। कोई BR रैंक या CS में मत खेलने लग जाना क्योंकि उसमें खेलोगे तो कुछ काउंट नहीं होगा, ठीक है। और भाई बंदे अच्छे मारना, अच्छे से परफॉर्म करना पूरे गेम में, एकदम फाड़ के रख देना, सब लोग मस्त खेलना, ठीक है। और जो आपके मैंने डाउट सारी वीडियोज में तो क्लियर कर ही रखे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही अभी भी इस इवेंट के रिगार्डिंग, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मैं जैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे, सारे डाउट मैंने क्लियर ही कर दिए कि यहाँ पे देखो गन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऑफ रहेंगे एंड आप लोग यूट्यूब पे लाइव नहीं आने वाले हो, ये स्ट्रीम वगैरह नहीं चलेगी इसकी। एंड देखो यहाँ पे डायमंड्स फिर से बता रहा हूँ सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 टीम को मिलेगा 50,000 डायमंड, लेकिन अगर आपको फिर भी डायमंड चाहिए तो कैसे आप लोग फ्री में डायमंड ले सकते हो, चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो मैंने वो ट्रिक से डायमंड ले लिया एंड काफी लोगों ने इस ट्रिक से डायमंड लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम रियल ट्रिक है, बस ट्रिक को पूरी देख लो, आपको 100% यहाँ से फ्री में डायमंड मिल जाएगा। तो देखो फ्री में डायमंड के लिए क्या करना है, ये वीडियो आप देख रहे हो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन है दोनों ही जगह मैंने एक लिंक लगा रखा है, किसी भी लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको विंजो ऐप दिखेगा, इसे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल वगैरह करके ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक नंबर डालना है, अब नंबर वो वाला डालना जो आपने पहले कभी विंजो ऐप में नहीं डाला। अब ऐसा क्यों मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर डालने के बाद आपके फोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे गेम आएंगे इस ऐप में। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी गेम
खेल लेना जो भी आपको पसंद है। मुझे मेट्रो वाला पसंद है, चलो मैं इसको खेल लेता हूँ। आपको पूरा गेम खेलना मेरी तरह। अब पूरा गेम खेलने के बाद आपको यहाँ पे देखो 550 रुपए मिल जाएंगे। अब ये 550 रुपए मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने विंजो में जब लॉगिन किया था तब नया नंबर डाला था। तो आपको भी लॉगिन करते टाइम नया नंबर डालना, और अगर आपके पास नया नंबर नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का नंबर डाल सकते हो, मतलब वो नंबर डालना जिससे आपने कभी विंजो लॉगिन नहीं किया। अब देखो 550 रुपए मिल गए। अब इसका करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे विंजो स्टोर में आना है। विंजो स्टोर में आने के बाद फ्री फायर पे क्लिक करके आप लोग टॉपअप कर सकते हो चाहो जितने डायमंड्स का। एंड अगर आपको यहाँ से टॉपअप नहीं करना, आपको खुद से टॉपअप करना, तो आपको क्या करना, लास्ट में आना है, यहाँ पे विड्रॉल वाला सेक्शन दिख जाएगा, यहाँ से अपने पैसे विड्रॉल कर लो फोन पे में। एंड भाई वहाँ से अपना फ्री फायर में खुद से टॉपअप कर लो। तो देखो ये ऑफर इसलिए हम लोग को मिल रहा है क्योंकि अभी फ्री फायर का और विंजो का कोलैब हुआ, क्योंकि दिवाली इवेंट आने वाला है। तो भाई ये सबसे मस्त तरीका फ्री फायर में टॉपअप करने का, आपके खुद के पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका टॉपअप भी हो जाएगा। भाई सब लोग यहाँ से ऐसे ही लूट रहे अभी के टाइम में डायमंड पैसे, तो भाई आप लोग भी जाओ लूटो। मैंने खुद यहाँ से टॉपअप कर लिया भाई।